तो वेलकम बच्चों, आज हमारे पास ये प्रॉब्लम्स जो हमारे एक्सरसाइज 1.2 के 7 क्वेश्चन के 9, 10 और 11 है। तो चलो देखते हैं इसको हम आज राइट नाउ। सो बच्चों, हमारे पास है पहला क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, डेरिवेटिव चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे लेट वाई इज इक्वल टू, जो दिया है आप लिखो उसको, टैन इनवर्स यहाँ पर दिख रहा है कॉस 7x अपॉन 1 प्लस साइन 7x। बच्चों इसके पहले हमने क्या किया, फार्मूले देखे। तो हमारे पास कैसा कि 1 प्लस कॉस एक्स बोलो, 1 प्लस कॉस 2x बोलो, इसके फार्मूले हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस साइन इसका नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। अच्छा, ऊपर से सिर्फ कॉस है, वहाँ पे अगर साइन हो जाता तो पट से हम काम चेंज कर लेते। ठीक है, जैसे कि हमारे पास साइन अगर सिंपल एक्स भी है तो हम पट से क्या करते हैं, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पर मुझे साइन भी नहीं दिख रहा। तो सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करो, ये जो कॉस है कॉस को साइन में बदल दो। कॉस को साइन में बदलने का सिंपल सा तरीका कौन सा, देखो बाकी जैसे का तैसा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कॉस को साइन में बदलेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, हम बोलते हैं ना कॉस गया रे गया, साइन आया रे आया, बस उसी प्रकार। तो यहाँ पे साइन होगा, लेकिन अब आगे में होगा पाई बाय टू माइनस 7x। हम ये इसके पहले देख चुके, कुछ नया नहीं है हमारे लिए। ठीक है, और जो नीचे है 1 प्लस साइन को हटा दो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कॉस को हटाए तो साइन आया, साइन को हटाएंगे तो कॉस, ताकि हमको इस तरह के फार्मूले मिले। ठीक है, सो कॉस गया साइन गया तो यहाँ पर आएगा कॉस और पाई बाय टू माइनस 7x हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब इसको क्या करता, थोड़ा से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये जो है साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन एक्स का फार्मूला क्या है, 2 सामने में, एक्स के जगह पे एक्स बाई टू मतलब डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ ऊपर देखो क्या नज़र आ रहा है, आपके पास साइन पाई बाय टू माइनस क्या है वहाँ पर 7x है। ठीक है, तो सिंपल ये देखो, ये 2 जैसे के तैसे आएंगे, फिर साइन होगा, तो साइन जो यहाँ पर है एक्स है तो एक्स बाई टू, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा, देखो पाई बाय टू है माइनस 7x है, तो ये पूरे को डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कॉस है तो कॉस एक्स बाई टू है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाय टू माइनस 7x पूरे को डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो पाई बाय टू का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 4, इसको डिवाइड होगा 2, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बनेगा पाई बाय 4, यहाँ पे 7x बाय 2। ठीक है, सो यहाँ पर ये बराबर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो ये हमारे पास टैन इनवर्स, यहाँ देखो हमारे पास साइन, इसको हम बदल रहे इस तरह के फार्मूले पे, तो ये बनेगा 2 साइन, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा अभी, यहाँ पर पाई बाय टू माइनस 7x है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ होगा पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2 इंटू, फिर से कॉस होगा यहाँ पर पाई बाय 2 सॉरी पाई बाय 4 हो गया और यहाँ पर 7x बाय 2। ठीक है, अच्छा अब नीचे में क्या होगा, हमारे पास नीचे में जो होगा उसके लिए ज़रूरी क्या है, 1 प्लस, तो असल में यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, तब जाके फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो एक काम करते फिलहाल ये एज इट इज़ रख देते, 1 प्लस कॉस यहाँ पर होगा पाई बाय 2 माइनस 7x। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देते, आगे बढ़ो, यहाँ पर क्या होगा, ये है टैन इनवर्स। अब मैं जो करने जा रहा हूँ आप उसको देखो, इसके नीचे क्या चाहिए था आपको, देखो 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस 2x रहे, 1 प्लस कॉस x रहे, उसके नीचे हमें 2 की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये 2 क्या करते हैं, हम इधर ला लेते हैं। लास्ट वीडियो में, लास्ट टाइम में हमने ये प्रॉब्लम इस तरह का देखा है कि 2 हमने नीचे लाया हुआ है, सो ऊपर में क्या होगा, चलो जो है ऊपर में लिखो, यहाँ पर पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2 इंटू कॉस, फिर से है पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2 हो जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, तो 1 प्लस कॉस यहाँ पर होगा पाई बाय 2 माइनस 7x और उन सब के नीचे में 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास बन गया है एक फार्मूला। ठीक है, चलो देखते कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 था, तो हमारे पास फार्मूला था, कौन सा फार्मूला था याद करो, यहाँ पर हम लेते थे कॉस स्क्वेयर एक्स था, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x आएगा, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 होगा, मतलब यहाँ जितना है उसका आधा यहाँ पे होगा। तो उसी प्रकार ऊपर का तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ऊपर का लिख लो क्या है, साइन पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2 इंटू
कॉस यहाँ पर है पाई बाय फोर माइनस सेवन एक्स बाय टू है ही। अब नीचे मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, देखो वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू होगा तो कॉस स्क्वेयर एक्स, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू होगा तो कॉस स्क्वेयर एक्स बाय टू, मतलब जो एंगल होगा उसको डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा आंसर होगा कॉस स्क्वेयर और इसको डिवाइड होगा पाई बाय टू माइनस सेवन एक्स को डिवाइडेड बाय टू होगा, ये तो ऊपर के जैसा मिलेगा ठीक है। यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई बाय फोर माइनस सेवन एक्स अपॉन टू। अब बोलेंगे कैसा आया, फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू होना था तो पाई बाय फोर सॉरी पाई बाय टू पहले था, माइनस सेवन एक्स अपॉन टू था, और टू से यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डिवीजन हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से आएगा। अब आप देखो इसको मैं पैक कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे कॉस पाई बाय फोर माइनस सेवन एक्स बाय टू वही नीचे है, नीचे दो बार है ऊपर एक बार है, तो एक एक बार कॉस कट जाएगा। तो यहाँ पर होगा हमारे पास टैन इनवर्स, यहाँ पर आप देखो साइन जिंदाबाद, यहाँ पर पाई बाय फोर माइनस सेवन एक्स बाय टू ये होगा, और नीचे में देखो दो बार कॉस है कॉस स्क्वेयर के कारण तो एक एक बार कटेगा, तो यहाँ रहेगा कॉस पाई बाय फोर माइनस सेवन एक्स बाय टू ठीक है। अब आप देखो एंगल दोनों में सेम है, दूसरी बात साइन है कॉस है, साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टैन, यानी यहाँ पर होगा टैन इनवर्स, अंदर में आएगा टैन क्या हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस सेवन एक्स बाय टू ठीक है, इस तरह से होगा। और आपको मालूम है टैन इनवर्स और टैन कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई बाय फोर माइनस सेवन एक्स बाय टू, सो दिस इज योर y, ये क्या है हमारा y है ठीक है। चलो तो ये आई होप कि आपके ध्यान में आया होगा, आप वीडियो को आगे पीछे करके देखो ताकि ये पूरा ध्यान में आए। दूसरी बात, हमारा ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में बहुत बार बेसिक हो चुका है, आप उसको ध्यान में रखना। अब चलो डिफरेंशिएट करते, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पाई बाय फोर माइनस, देखो सेवन बाय टू को निकाल दो, सेवन बाय टू निकाला इंटू डेरिवेटिव होगा एक्स का इज इक्वल टू पाई बाय फोर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव जीरो माइनस ये सेवन बाय टू है इंटू ये एक्स है एक्स का डेरिवेटिव वन, इसलिए फाइनल स्टेप होगी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो छोड़ दो माइनस सेवन बाय टू बन जा वही यानी माइनस सेवन बाय टू, सो दिस विल बी द आंसर। इस प्रकार से बच्चों आपको करना है, ध्यान दो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है लेकिन बराबर ठंडे दिमाग से अगर काम करते, ठंडे दिमाग से बराबर फार्मूले लगाते तो बराबर इजीली सॉल्व हो जाता ठीक है। चलो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ नंबर का। चलो लेट क्या है वाई इज इक्वल टू क्या नज़र आ रहा बताओ फट से, यस टैन इनवर्स और एक बड़ा सा रूट नज़र आ रहा है ऊपर है वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स है यहाँ पे ऐसा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा इसको भी सिंप्लीफाई करते ठीक है, ये हमारा एक्स है इसको भी सिंप्लीफाई करते, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था देखो वन प्लस कॉस एंगल क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, वन प्लस कॉस है लेकिन उसके नीचे क्या चाहिए था टू, तो मैंने ऊपर के टू की अरेंजमेंट की थी। अब वैसे ही वन प्लस कॉस को भी टू की जरूरत है और वन माइनस कॉस को भी टू की जरूरत है ठीक है। तो एक काम करते दोनों को डिवाइड कर देते हम, यानी क्या होगा टैन इनवर्स दोनों को डिवाइड करो ठीक है। यहाँ पर होगा देखो वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू, नीचे में है वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू। अब रही बात एडजस्टमेंट अपने आप हो गई, देखो टू टू यहाँ से गायब हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर के स्टेप को, लेकिन अब डिवाइडिंग बाय टू करने से हमको फार्मूला मिल गया है ठीक है। तो चलो फट से क्या हो जाएगा, तो टैन इनवर्स, अब आप देखो यहाँ पर अंदर के अंदर फार्मूला वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू है, देखो प्लस वाला था तो फार्मूला क्या बन गया था हमारे पास कॉस स्क्वेयर, और जो भी एंगल ऊपर रहता उसको डिवाइडेड बाय क्या हो जाता टू, तो यहाँ पर वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू है तो आंसर होगा यहाँ पर कॉस स्क्वेयर एक्स बाय टू ठीक है। अच्छा ये प्लस में था इसलिए कॉस स्क्वेयर, लेकिन यही फार्मूला माइनस में तो साइन स्क्वेयर होता, तो नीचे में आएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू ठीक है। और महत्वपूर्ण बात है हमने लास्ट टाइम में हमने सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए थे, डबल एंगल ट्रिपल एंगल उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से करना वो सब ठीक है। और क्योंकि मैंने कहा था कि डेरिवेटिव में इसकी आपको क्या होगी ज़रूरत होगी, इस तरह से आपको ज़रूरत होगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पिछला वाला जो भी है अरे जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक आपके लास्ट पढ़े हुए फार्मूले याद नहीं रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती है आपको कि पहले पुराना पूरा कंप्लीट रखो, बहुत बार बच्चे होते हैं कि हमको
को ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा, वो वीडियो समझ में नहीं आ रहा, अरे कितने एक्सपर्ट टीचर लेंगे आप, मुझसे 1000 गुना एक्सपर्ट ले लो, जब तक आपका अच्छा नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले पक्का करो खुद का, उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, इजीली फटाफट समझेगा कोई भी टीचर है। हमारा बेसिक पक्का चाहिए, ठीक है। चलो काम करते हैं यहाँ पर। सो दिस विल बी द वाई। अब देखो यहाँ पर ये टैन इनवर्स है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा यहाँ पर कॉस एक्स बाई टू और नीचे में साइन एक्स बाई टू होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ो यहीं से, तो टैन इनवर्स आपको नजर आएगा कॉस अपॉन साइन, ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन बनता कॉट, साथ में होगा एक्स बाई टू। अब देखो कॉट के साथ टैन इनवर्स तो जाना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कॉट को बदल देता हूँ, लो इसके पहले में किया था वैसा ही करेंगे। तो टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट गया रे गया, टैन आया रे आया, साथ में पाई बाई टू माइनस इसको लाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बाई टू, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, टैन और टैन इनवर्स कैंसिल, यानी सिंपली वाई इज इक्वल टू मिलेगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब फट से डेरिवेटिव करो, चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर मैं डी वाई बाई डी एक्स बहुत हो गया, डायरेक्ट करने वाला हूँ, पाई बाई टू का आंसर जीरो माइनस यहाँ से वन बाई टू बाहर निकलेगा और एक्स का डेरिवेटिव वन, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का आंसर होगा माइनस वन बाई टू। क्योंकि क्या हो रहा, कब से हम वही 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 बार बार वही प्रॉब्लम उसी तरह के प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो तो हमारे पास है अभी 11th क्वेश्चन, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, देखते क्या होता। देखो वहाँ पर क्या नज़र आ रहा, लेट पहले तो वाई ले लो, तो वाई इज इक्वल टू क्या नज़र आ रहा भाई, टैन इनवर्स वहाँ नज़र आ रहा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। हर चीज़ के हमारे पास फार्मूले हैं, बस सही ढंग से सही तरीके से आप उसको लगाना सीख ही लो। देखो आपको फार्मूले लगाना कैसे, ये कोई टीचर आपको पढ़ा देगा, कोई भी पढ़ा देगा, आपका बड़ा भाई बड़ी बहन घर में माता पिता जो भी है, अगर वो पढ़े लिखे हैं इस तरह का सिलेबस तो वो भी आपको बता देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊंगा, कॉलेज के टीचर बताएंगे, कोई भी बता देगा, लेकिन भाई वो समझाएगा ये इस तरह से करना है, लेकिन ये आप माइंड में तब तक नहीं रख सकते जब तक आपके फार्मूले याद नहीं और आप खुद होके उसमें क्या ना करें, प्रैक्टिस ना करें। तो इसलिए बच्चों प्लीज़, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे होंगे, चाहे मेरे क्लास में पढ़ने वाले हो नहीं पढ़ने वाले हो, समझ लो इस बात को कि आपके फार्मूले, आपका बेसिक कंसेप्ट, जो भी चीज़ है वो बेस आप स्ट्रांग बनाओ, उसके बाद में ये अपने आप आपको आना ही है। नहीं आएगा तो एक अलग बात होंगे, आप दोष दे सकेंगे किसको, आप ब्लेम करेंगे कि नहीं सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर आपका ही अगर अच्छा नहीं है, आपको दिए गए फार्मूले अच्छे नहीं, तो फिर किसको ब्लेम करेंगे। ब्लेम करने के लिए हमारा खुद का भी अच्छा चाहिए, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद को स्ट्रांग बनाओ, अपने पैरों पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओ, और फिर लोगों को कहो कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, इसलिए पहले आप खुद करो अच्छा, ठीक है। आई होप सो कि आप अच्छा करेंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर टैन इनवर्स है, अच्छा ओके मुझे क्या दिख रहा, देखो कोसेक है तो कोसेक को सबसे पहले बदल दो, दैट विल बी वन बाय साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉट एक्स, कॉट एक्स का फार्मूला कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो ना मुझे जो दिख रहा है शायद वो भी आपको दिखना चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, अरे काम कर लो, वन प्लस क्या होगा कॉस एक्स अपॉन आई एम सेइंग यह साइन, देखो ना वन प्लस कॉस है, वन प्लस कॉस किसकी ज़रूरत है, टू की, अब हमारे पास टू नहीं है, देखो यहाँ पर भी था, यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय क्या किया ऊपर नीचे टू टू, क्योंकि वन प्लस कॉस रहे वन माइनस कॉस रहे, वन प्लस कॉस के लिए तो कॉस स्क्वेयर होगा, वन माइनस कॉस के लिए साइन होगा, लेकिन इट रिक्वायर्स टू इन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे नहीं है, तो एक काम करते ना भाई ये साइन को तोड़ते हैं, ये साइन को तोड़ दो, तो साइन का फार्मूला बताया था आपको, ठीक है। क्या था हमारे पास, टैन इनवर्स ऊपर में वन प्लस कॉस एक्स रहने दो, हमको टू चाहिए अब, क्योंकि मैं साइन को टू से डिवाइड करके फ़ायदा नहीं होने वाला, यानी ऊपर नीचे डिवाइड करके टू से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि साइन को ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम साइन को तोड़ेंगे, साइन को कैसे तोड़ेंगे, उसका जो फार्मूला था मैंने डबल एंगल बताए थे उस तरह से आप कर सकते हो, यहाँ पे टू है, ठीक है, यहाँ पर साइन अपॉन में टू यानी एक्स बाई टू और फिर कॉस एक्स बाई टू, हम ये बार बार कर रहे हैं। अब देखो ये जो टू है ये टू इसको दे दो आप, किसको, ये वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू, देखो वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू क्या बन गया था कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू, तो यहाँ थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँगा अब, ठीक है। तो देखो ये वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू ये बन जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू और नीचे में रहेगा आपका साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एक एक बार कॉस क्या हो जाएगा कैंसल, सो ऊपर क्या बचेगा, देखो क्या है, तो ऊपर में बचेगा कॉस एक्स बाई टू, अगेन हियर इट इज साइन एक्स बाई टू। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, कॉस अपॉन साइन इट इज जस्ट
cot x by 2, but we require here tan to cancel out this tan inverse. अगर हमको ये tan inverse को cancel करना है तो tan चाहिए. Simple, simple, एकदम simple. क्या करना है आपको, cot को हटाओ, tan को लाओ. tan आया रे आया, साथ में pi by 2 minus x by 2 हो जाएगा, ठीक है. और बस हो गया, tan inverse tan के साथ जाएगा, तो बचेगा pi by 2 minus x by 2 and this is your y. ठीक है, अब यहाँ पे करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलते जाओ dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू का 0 माइनस 1 बाई टू बाहर निकाला, x का डेरिवेटिव 1 छोड़ दो, इसीलिए dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टू. इस तरह से आपका आंसर होगा. यहाँ के मैंने कुछ क्वेश्चन थोड़े फास्ट लिए, क्यों, क्योंकि बहुत बार इसके पहले वाले वीडियो में भी यहाँ पे भी हमने बहुत बार वही किया, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन आज के वीडियो में हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा वीडियो को आगे पीछे बार बार करके देखो, उसको समझने की कोशिश करो. और बच्चों एक थोड़ी सी विनती करना चाहूँगा आपसे, कभी कभी क्या होता है ना कि हमको कभी कभी समझ जाता है, लेकिन कभी हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जो थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा पीछे रहते हैं, उनको शायद प्रॉब्लम होती है समझने के लिए, शायद उनका बेसिक अच्छा नहीं या फिर कुछ भी चीजें ऐसी प्रॉब्लम अगर होती है, तो प्लीज सिंपल सी बात बता दो, उसमें आपका भी फायदा है. वो कहते हैं ना, अगर मेरे पास 100 रुपए मैं किसी को दे दूं तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मतलब पैसे देने से कम होंगे, लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज है 100 पॉइंट से मान लो मैं किसी और को दूंगा तो मेरा और स्ट्रांग होगा. यानी किसी को आप जब बताते हो ना कि ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आपका अपने आप स्ट्रांग होते रहता. तो जो भी दोस्त मित्र आपके ऐसे होंगे कि उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज एक दूसरे को समझाओ, ताकि आपका तो बढ़े उसका भी फायदा हो जाएगा, यानी उसको समझना लगेगा शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आपका वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा. मतलब वो कहते हैं ना, टीचिंग से अगर किसी को हम टीच करते हैं तो टीचिंग से खुद हमारा क्या होता है, नॉलेज बढ़ता शुरू होता है. तो अगर हम 2 मिनट के लिए हमारे फ्रेंड से टीचर अगर बन जाते हैं तो वो हम कभी भूलेंगे नहीं. सो प्लीज़ ये काम करके देखो. सो दोस्तों यहाँ पर बच्चों यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में वीडियो. टिल देन बाय.